छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भाजपा विधायक राजेश मूणत ने पीडीएस गरीब कल्याण योजना की चावल गड़बड़ी के संबंध में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के समय विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के सामने कमिटमेंट किया गया था कि 24 तारीख तक संबंधित विभाग अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, लेकिन पूर्व सरकार ने 23 तारीख को ही सत्र का विसर्जन कर दिया है। उन्होंने कहा कि धरमलाल कौशिक के उस प्रश्न के उत्तर में ये स्पष्ट हो चुका है कि 4 साल में एक बार भी राशन दुकान की ऑडिट नहीं हुई और स्टॉक में उसका वेरिफिकेशन वरिष्ठ अधिकारियों ने नहीं किया। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि आज सदन में संसदीय मंत्री ने राशन घोटाले की जांच की घोषणा कर दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है, जिसका मैं स्वागत करता हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं। लोकसभा प्रत्याशी चयन को लेकर उन्होंने कहा कि भाजपा ने तो मैदान में अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं लोकसभा के कार्यालय खुल गए हैं और विधानसभा के अंदर कार्यालय खोलने की तैयारी हो रही है। आज विधानसभा के अंदर पीटीएस सिस्टम गरीब कल्याण योजना के चावल की अपरा तफरी के संबंध में जो पूर्व सरकार के समय विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने कमिटमेंट किया था कि 24 तारीख तक संबंधित विभाग अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, कार्रवाई क्या की इसकी जानकारी देगा, लेकिन पूर्व सरकार ने 23 तारीख को सत्र का विसर्जन कर दिया। आज धर्मलाल कौशिक जी के उस प्रश्न के उत्तर में यह स्पष्ट हो चुका है कि 4 साल में एक बार भी राशन दुकान की ऑडिट नहीं हुई। राशन दुकानों में चावल रखा हुआ पीडीएस का स्टॉक में उसका वेरिफिकेशन करी वरिष्ठ अधिकारियों ने नहीं किया। यही नहीं, जो गरीब परिवार को जिनके लिए प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत राशन प्राप्त हुआ था, ऐसे अभिव्यक्ति जिनका राशन 1, 2 और 3 यूनिट था, उनका भी लगभग 49,000 टन राशन कहाँ गया, गबन हुआ, इसका उत्तर नहीं मिला।